Good morning, children. Today we will continue the chapter Friendship. In the previous video, इससे पहले के वीडियो में मैंने फ्रेंडशिप के बारे में बताया था कि किस तरीके से एक छोटा बच्चा एक बार बहुत बीमार हो गया और वो अपना सारा समय वो बिस्तर पे व्यतीत करता था क्योंकि वो चलने फिरने के लायक नहीं था और कोई भी उसके दोस्त उसके पास नहीं आते थे क्योंकि उनको आने से मना किया गया था। इस तरीके से वो बेड पे पड़ा पड़ा बोर हो रहा था। अचानक एक दिन उसने खिड़की से बाहर देखा कि एक पेंगुइन सॉसेज सैंडविच खा रही थी। द पेंगुइन पीप्ड इन थ्रू द ओपन विंडो। वो ओपन विंडो से उसने झांका, खुली हुई जो विंडो थी ही जो कि ये ओपन विंडो सेड गुड मॉर्निंग टू द बॉय। और उस पेंगुइन ने लड़के को गुड मॉर्निंग विश किया एंड टर्न अराउंड एंड लेफ्ट और घूमी और वो गायब हो गई। ऑफ़ कोर्स द बॉय वॉज वेरी सरप्राइज। और बच्चा ये सुन करके बहुत सरप्राइज था, बहुत आश्चर्यचकित था। ही वॉज स्टिल ट्राइंग टू वर्क आउट वॉट हैड हैपेंड। और वो बाहर देखने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या हुआ है बाहर आउटसाइड हिज विंडो। ही सॉ अ मंकी इन अ हैप्पी मूड। उसको एक बहुत ही अच्छे मूड में एक मंकी दिखाई पड़ा जो कि बिजी इन ब्लोइंग अप अ बलून, जो कि एक गुब्बारा फुलाने में व्यस्त था। एट दैट फर्स्ट द बॉय आस्क हिमसेल्फ। सबसे पहले लड़के ने अपने आप से खुद कहा व्हाट वाज पॉसिबल बी, ये कैसे पॉसिबल है। बट आफ्टर वाइल, लेकिन कुछ समय बाद ही मोर एंड मोर क्रेजी, वो बहुत क्रेजी हुआ। लुकिंग कैरेक्टर्स, वो इन कैरेक्टर्स को देखकर बहुत क्रेजी हुआ। एंड स्टार्टेड अपियरिंग आउटसाइड द विंडो, और वो बाहर देखने की कोशिश करने लगा। द बस्ट आउट लाफ्ड, और वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाया और वो खिलखिलाकर हंसने लगा। एंड फाउंड हार्ड टू स्टॉप, और उसने अपनी हंसी को बहुत ही कठिनाई से रोका। द लिटिल बॉय डिडंट टेल एनीथिंग अबाउट दिस, और छोटे बच्चे ने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। बिकॉज नो बॉडी हैव बिलीव्ड हिम, क्योंकि कोई भी उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकता था, कोई भी उसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकता था। इवन सो दोज स्ट्रेंज कैरेक्टर एंडेड अप इन अ पुटिंग जॉय बैक इन हिज हार्ट। और वो इस तरीके के जो स्ट्रेंज कैरेक्टर्स थे वो तब आने बंद हुए जब उसका हार्ट खुशी से भर गया। एंड हिज बॉडी बिफोर लॉन्ग हिज हेल्थ इम्प्रूव सो मच, और इस तरीके से उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गया, उसकी हेल्थ अच्छी होने लगी। ही वॉज एबल टू गो बैक टू स्कूल, और वो धीरे धीरे इस लायक हो गया कि वो स्कूल जा सकता था। देयर ही टॉक टू हिज फ्रेंड, वहाँ पर उसने अपने अपने दोस्तों से बात किया। एंड टेल देम अबाउट ऑल द स्ट्रेंज थिंग ही हैड सीन, और उसने उन सारे स्ट्रेंज जो आश्चर्य कर देने वाली चीज़ों को अपने दोस्तों को बताया। वाइल ही वॉज टॉकिंग टू हिज बेस्ट फ्रेंड, और जब वो अपने दोस्त से इस सब बारे में बात कर रहा था, ही सॉ समथिंग कमिंग आउट ऑफ हिज फ्रेंड्स स्कूल बैग, तो उसने देखा कि कोई चीज़ ऐसी उसके फ्रेंड से बैग से झांक रही थी, उसके दिख रही थी। द बॉय आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाट वाज इट, उसने अपने फ्रेंड से पूछा ये क्या है। बट हिज फ्रेंड सैड, लेकिन उसके दोस्त ने कहा इट वाज नथिंग, ये कुछ नहीं है। बट द बॉय वॉज सो इंस्टेड ऑन इट दैट, आखिर में उस वो अपनी बात पर अड़ा रहा। एंड फाइनली हिज फ्रेंड हैड टू शो हिम वॉट वॉज इन द बैग, और आखिरी में उसको दोस्त को दिखाना पड़ा कि बैग के अंदर क्या है। वेयर ऑल द फनी ड्रेसेस सूट, और वो वही सारी फनी ड्रेस थे। एंड डिस्टिंग्विश दैट ही हैड सीन आउटसाइड द विंडो, जो उसने अलग अलग कैरेक्टर विंडो के बाहर देखे थे उन्हीं सारे वो फैंसी ड्रेस के ड्रेस थे वो। सेम देम, उनको देख करके ही अंडरस्टूड दैट, वो समझ गया कि ही वॉज नन अदर देन हिज फ्रेंड, कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त है। हु वॉज ट्राइंग टू चीयर हिम अप, जो कि उसको हंसाने की कोशिश कर रहा है। दिस मेड द लिटिल बॉय हार्ट
हार्ट फील्ड विद लवली बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, और इस तरीके से उस छोटे बच्चे का दिल फ्रेंडशिप से, सच्ची फ्रेंडशिप से भर गया। ही वॉज ग्रेटफुल टू गॉड फॉर सच अ गुड फ्रेंड, और उसने गॉड को धन्यवाद दिया कि इस तरीके के सच्चे दोस्त को उसने दिया है। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन के बाद से ऑनवर्ड्स द लिटिल बॉय डिड हिज बेस्ट फ्रेंड टू मेक श्योर दैट नो वन अराउंड हिम फेल सैड एंड अलोन। और उस दिन से लिटिल बॉय ने ये समझ लिया कि कोई उसके चारों तरफ फेल्ट सैड एंड अलोन, कि अगर उसके ही डिड बेस्ट टू मेक श्योर दैट नो वन अराउंड हिम, कोई भी उसके चारों तरफ ऐसा नहीं है जो कि उसको फेल्ट सैड कर सके और वो अकेला महसूस कर सके। तो कहने का मतलब यह है कि जो सच्चे दोस्त हैं वो दूसरे दोस्त के बुरे वक्त में उसको हंसाने की और उसके मदद करने के काम में आते हैं। फ्रेंडशिप करना अच्छी बात है, लेकिन उसको निभाना उससे भी बड़ी बात होती है।